हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि कैसे ट्रेनिंग होगा आपका पेटीएम इंडिविजुअल ऑनबोर्डिंग को लेकर के। बिकॉज लास्ट वीडियो हमने बनाया था तो बहुत से लोगों को कंप्लेन आया कि सर थोड़ा ब्लर है, तो दैट इज़ वाई मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ही रिसर्च करने के बाद अच्छे से पूरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो जी गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन रहेगा मेरे वीडियोज का आपको टाइमली आता रहेगा। और हमने टाइमली वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और आपको लगे कि अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप जो है इसको प्लेबैक स्पीड को जो है 1.5 पे कर लीजिए। अब एक और जरूरी सूचना गाइज, जिन लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू यहाँ पर ये जो है ऑनबोर्डिंग करी है, मतलब खुद का पेटीएम वगैरह डाउनलोड किया है, तो प्लीज़ उनसे आग्रह करूँगा कि मैं उनके व्हाट्सएप उस पर एक एक रुपये डाल दूंगा सभी के नंबर पर। मैं QR कोड आप मेरे से व्हाट्सएप पर ले सकते हो, मैं एक एक रुपये डाल दूंगा ताकि आपको भी 30-30 रुपये उसमें कमीशन मिलता जाएगा, तो ये इमीडिएटली मिल जाता है। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में मैं आपको स्क्रीन पे QR दे दूंगा, QR पे 1 रुपया आप पे कर दीजिएगा जस्ट, जो नंबर से आपने रजिस्टर किया आपको भी 30 रुपीज़ मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं काम की वीडियो पे। और जो है जो भी आप लोग नए होंगे वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन वीडियो आई बटन पे डाल दूंगा। तो ऑनबोर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो ये रहेगा, ये एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, लॉग इन एंड क्रिएट अकाउंट। तो इस पर आप नंबर डालेंगे और नंबर डाल के लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके नंबर पे OTP आ जाएगा, उसके बाद इनिशियलाइजिंग बोलेगा और यहाँ पर आप आ जाएंगे। थोड़ा सा जो है अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू मर्चेंट, न्यू मर्चेंट पे आप क्लिक करेंगे। कहीं कहीं पे ऑनबोर्ड मर्चेंट दिखेगा तो ऑनबोर्ड मर्चेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर है ऑनबोर्ड मर्चेंट पे हमने क्लिक किया, देन उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा कुछ इस प्रकार का, तो नंबर डालेंगे उसके बाद पेटीएम QR आपसे पूछ देगा, उसके बाद आप मर्चेंट के नंबर पे OTP चला जाता है। और ज़रूरी सूचना ये है कि गाइज जैसे ही ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने आधार कार्ड और सामने वाला जो बंदा है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही आपने उनके पेटीएम पर जाकर के बैंक लिंक किया हुआ है, अगर पेटीएम पे चाहते हैं कि एक वीडियो अलग से बनाऊँ तो ये भी बना दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। UPI पहले लिंक कर दीजिएगा पेटीएम के अंदर और अपने लिंक के थ्रू कीजिएगा ताकि आपको भी 100 रुपीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेटीएम QR पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद सामने वाले मर्चेंट के नंबर पर यहाँ पर एक OTP चला जाएगा, वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिएगा, वेरिफिकेशन कोड बोलिए उस चीज़ को तो ज़्यादा चलेगा। प्रोसीड टू लिंक बैंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उस पेटीएम पर जितने भी बैंक लिंक होंगे उस सारे बैंकों का नाम आ जाएगा, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक आ रहा है तो हमने पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर लिंक कर दिया है। एंड देन उसके बाद ये डालते हैं हम लोग, नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा आप सिंपली, तो कुछ इस प्रकार से जो है मर्चेंट का नाम दिखा देगा आपको वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है गाइज आप उस मर्चेंट का नाम आ जाएगा, जैसे हमारे केस में यहाँ पर ये नाम आ चुका है। अगर गलत लग रहा है तो नॉट नेम, मतलब जो भी नेम यहाँ पे आ रहा है सत्तार अंसारी, तो उस पर हमने क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर आगे आ जाएंगे। अगर सही नाम है तो यहाँ पर आ जाइए ऑन बोर्ड मर्चेंट, तो ये इस पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड पर आप यहाँ पर क्लिक कर जाइए। अब जो है गाइज कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा, तो आधार कार्ड का फ्रंट फोटो डालना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड का बैक फोटो डालना है। और ध्यान रखिएगा गाइज कि चारों चार कॉर्नर दिखने चाहिए सही से और फोटो क्लियर होना चाहिए, लाइटनिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फोटो के ऊपर फ्लैश आ जाएगा तो कुछ डिटेल्स हाइड हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है अब आपसे बैक फोटो मांग लेगा आधार कार्ड का, फिर मर्चेंट जो है आपका उसका लाइव सेल्फी मांगेगा, तो आप बैक कैमरा ऑन करके आप उसका लाइव सेल्फी आप ले सकते हैं। अब जैसे ही आपका आधार डिटेल्स होती है उसका आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, मर्चेंट का नाम डिस्प्ले हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोफिल हो जाता है। अब आधार कार्ड जो है अगर एड्रेस फुलफिल नहीं कर पा रहा है पीछे का, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में होता है तो नहीं हो पाता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है आधार कार्ड बैक साइड के आधार कार्ड एड्रेस के हिसाब से आपको कंप्लीट यहाँ पे आधार एड्रेस भर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है एड्रेस फुलफिल करना है, लैंडमार्क वगैरह लिख दीजिएगा, स्टेट सिटी और पिन कोड डाल के आप कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा कि टेक दीपक कुमार पैन कार्ड और एंटर GST पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे GST या पैन कार्ड का मांग रहा है अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मर्चेंट डज नॉट हैव GST पैन पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस जो है आपके सामने कुछ एडिशनल मर्चेंट डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि ईयरली टर्नओवर कितना रहेगा, तो अप टू 20 लाख कर दीजिएगा। किसी का 20 लाख से ज़्यादा होगा तो उसके इसमें GST वगैरह मांगेगा, तो ध्यान रखिएगा, तो आपको अप टू 20 लाख ही करना है यहाँ पे। कार्ड पेमेंट्स पर मंथ, आप कार्ड पेमेंट अगर होता है, लग रहा है कि कार्ड पेमेंट होने वाला है, तो आप यहाँ पे अप टू 5 लाख कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 0 कार्ड पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछ रहा है तो सेल्फ पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे गाइस। अब उसके बाद शॉप रेंटेड है या मर्चेंट का है, तो रेंटेड पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। और कुछ ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी वहाँ पे मर्चेंट का आप डाल सकते हैं। तो ये इतना करना है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में सेल्फ करने का यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा। अब जो है गाइज आपको यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो बिजनेस कैटेगरी के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हाईलाइट करेंगे इसको, ऐसे ऊपर ले जाएंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सर्विस आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा इंडिविजुअल सर्विस क्लिक करने के बाद, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है आपको,
इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ सेल लिखेंगे तो सेल्स एजेंट आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से इंडिविजुअल सर्विस और सेल्स एजेंट, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, कैटेगरी में इंडिविजुअल सर्विस और सब कैटेगरी में सेल्स एजेंट, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अब जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे लोकेशन फेच करेगा, तो वो लोकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब इन केस मान लीजिए मर्चेंट अपने घर से दूर खड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे उस केस में, मर्चेंट का घर घर के आसपास ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इन केस एड्रेस वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फेचिंग लोकेशन पर आएगा तो एड्रेस का पूरा जो करंट लोकेशन है वो आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि ये इनका यूपी में घर है लेकिन यहाँ पर शॉप एड्रेस जो है अहमदाबाद का दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको एडिट कर देना है, ठीक है, और कन्फर्म लोकेशन पर क्लिक कर देना है। गाइस शॉप नेम पूछ रहा है तो आप मर्चेंट का जो आधार कार्ड वाला नाम है वो लिख दीजिए और नियर बाय लैंडमार्क या कोई भी डायरेक्शन लिख करके आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। गाइस अगर आप सेम एड्रेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन फ्यूचर उस बंदे को प्रॉब्लम आएगी। ये जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये वाला एड्रेस जो है ये स्टोर का एड्रेस मांग रहा है, तो ये शॉप एड्रेस बन जाएगा फिर, तो ऐसा गलती नहीं करनी हमें। अगर आसपास है तो आप आसपास वहाँ जा करके यहाँ पे स्टोर का एप्लीकेशन जो लोकेशन है वो डाल दीजिए। गाइस जैसे स्टोर एप्लीकेशन जो है यहाँ पर एड्रेस जो है डल जाता है, उसके बाद स्टोर एड्रेस अपडेटेड, ये योर शॉप एड्रेस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर यह रिडायरेक्ट कर देगा आगे के स्टेप पे आपको। अब जो है गाइस यहाँ पर आपको बिजनेस डिटेल्स रिव्यू करा देना है अपने मर्चेंट को कि भाई देख लो तुम्हारा सारा डिटेल सही है या नहीं है। अब एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक डालते तो चलेगा, लेकिन सेटलमेंट बैंक अकाउंट में अगर आपने यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक कोई पेमेंट बैंक डाल दिया ना, तो गाइस उसका पासबुक का फोटो मांग देगा आपसे। तो अगर फिजिकल बैंक है तो वो प्रीफर करूँगा, वहाँ पे वो कर दीजिए अटैच, ताकि उसका कुछ बैंक प्रूफ वगैरह नहीं मांगेगा आपसे। सेटलमेंट टाइमिंग में जो है इंस्टेंट रहेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे रिव्यू करवा दीजिएगा मर्चेंट को एक बार। नीचे जो है और भी डिटेल्स दिख जाएगी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो प्रोसीड पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका सबसे ज़रूरी काम होता है, मर्चेंट के नंबर पर एक लिंक जाता है जो कि लिंक के अंदर रहता है कि रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो आप मर्चेंट को ना यहाँ पे आपका पैसा रुकेगा नहीं। अब क्यों नहीं रुकेगा, कारण ये है कि मर्चेंट का जो है ना बिजनेस ऐप अभी डाउनलोड करा दिया जा रहा है उस लिंक के थ्रू। बिना बिजनेस ऐप डाउनलोड कराए हुए आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं, तो आई थिंक सो इसमें रिपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। आपको उसी समय पर लॉगिन करवा देना है जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो ऐप के जो लिंक आएगा लिंक पे क्लिक करवा दीजिए गाइस। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा वहाँ पे उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के टिक करना रहेगा, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद जो है नीचे बढ़ जाइएगा, नहीं कुछ पता चलेगा ग्रुप में डाल सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल रहेगा वो चीज़। देन उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है टर्म्स एंड कंडीशन, तो मर्चेंट एक्सेप्टेड टर्म एग्रीमेंट पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा आप यहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट के टाइम पे एक ओटीपी मांगेगा यहाँ पे, तो वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है। अब जो आ रहा है यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड एंटर करने वाली बारी। अब क्यूआर कोड वाले केस में क्या है, आपको व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड मिल जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से। अब व्हाट्सएप वाले क्यूआर को आपको मर्चेंट के मोबाइल में भेज देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैप करना होता है। अब अगर मर्चेंट चाहता है कि भाई ये फोटो वाले स्टैंड ही चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए उसको 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नहीं लेना चाहता है तो नीचे वाले पे क्लिक कीजिए, नो प्रोसीड टू असाइन स्टैंडर्ड क्यूआर कोड, जो हमने हमारी तरफ से दे रहे हैं वो वाला, तो वो वाला आप वहाँ पे मर्चेंट के फ़ोन में भेज दीजिए और उसको स्कैन करना रहेगा आपको। तो स्कैन करने का मतलब कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड जो है नया वाला वो मैप हो जाता है मर्चेंट को, ताकि उससे फ्यूचर में वो पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर पाएगा। क्यूआर कोड जैसे ही असाइन हो गया, क्यूआर असाइन सक्सेसफुली, इनकेस अगर दूसरा क्यूआर कभी अटैच करना पड़ा तो असाइन अनदर क्यूआर पर क्लिक करें, अदरवाइज नहीं करना है तो प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए और एक मर्चेंट को एक ही क्यूआर दीजिए। अब हम हमारे लास्ट फेज़ पर आ गए हैं, मतलब ऑनबोर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग। तो यहाँ पर जो है 6 दुकान के फ़ोटो मांग रहा है, बट आपको यहाँ पे ये सब अपलोड नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको मर्चेंट के फ्रंट, मतलब उसको बैक साइड में बिठा करके, मतलब कोई अच्छी लोकेशन में बिठा करके, आँख में चश्मा नहीं होना चाहिए, गॉगल्स मतलब सॉरी नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, मतलब टोपी नहीं होनी चाहिए, और कुछ मतलब अच्छी मतलब सूरत में बैठा होना चाहिए, और बनियान वगैरह पहन के नहीं बैठा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बस फोटो ले लीजिए सिंपली बिठा कर कहीं पे, एक फ़ोटो क्लियर क्लिक किया और आगे बढ़ जाएंगे आप। उसके बाद बैंक प्रूफ अगर मांग रहा है तो पासबुक का फोटो, चेकबुक का फोटो, कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हमने हमारे वाले केस में यहाँ पर फ्रंट फोटो देखिए, कुछ इस तरीके का फोटो यहाँ पे मैंने अपलोड करवाया है, ठीक है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। देन एडिट करना चाहे, अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो सेव पे आप क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे बैंक प्रूफ मांग रहा है, बैंक पासबुक का मांग रहा है, तो पासबुक का फोटो है तो वो डाल दीजिए, चेकबुक है तो वो डाल दीजिए, किशोक बैंकिंग का आईडी का होता है, कस्टमर आईडी का वो एक पेज होता है तो वो डाल सकते हैं आप। किशोक बैंक आईडी, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ का फ्रंट फोटो आपको डालना रहेगा, जिसमें कि नाम, नंबर और पासबुक पे सारी डिटेल्स वगैरह, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, बिजनेस नेम वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए। सिंस आप अगर यहाँ पर इंडिविजुअल बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है उसका नाम पे ही बैंक होगा। अब ये देखिए हमारे केस में एयरटेल पेमेंट बैंक था, तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, एंड देन हम प्रोसीड पे नीचे क्लिक कर देंगे गाइस। तो बस इतना ही था यहाँ पे, मर्चेंट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्लिक कर दिए। साउंड बॉक्स वाला ध्यान रखिएगा, साउंड बॉक्स नहीं देना है इसमें, हमने सिर्फ नॉर्मल करना है, तो सिर्फ मर्चेंट क्यूआर ही स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना था। मर्चेंट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली पे हमने क्लिक किया, बैक टू होम आ जाइए आप यहाँ पे।
अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक मर्चेंट का जो एप्लीकेशन है उसको लॉगिन करा देना सही से वाइल यूजिंग, ये क्लिक कीजिए, लॉगिन और बिकम मर्चेंट पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद लॉगिन सिक्योरली भैया पेटीएम पे क्लिक करवा दीजिए गाइज। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है लॉगिन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से क्यूआर कोड शेयर कर सकता है बैंक वाले, मतलब इस तरीके से, और जो है इसको अच्छा पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करता है तो लोन वगैरह भी मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, आपको पेमेंट कब मिलेगा। सक्सेसफुल अप्रूव्ड ऑनबोर्डिंग होना चाहिए, दूसरा क्यूआर कोड आपने मैप किया हो तो होता ही है वहाँ पे जनरली, तीसरी चीज़ मर्चेंट का जो है ना बिजनेस ऐप लॉगिन कराना है, जो कि ये है इस तरीके का कुछ ऐप दिखता है, देखिए पेटीएम फॉर बिजनेस, तो ये लॉगिन करा देंगे। और दूसरा क्यूआर कोड पे 10 रुपये का पेमेंट आज और एक 10 रुपये का पेमेंट कल करा दीजिए, 2 दिन पेमेंट यूनिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब यूनिक का मतलब ये होता है कि गाइज जो बंदा आज की तारीख में मान लीजिए जो आपका नंबर छोड़ करके बाकी कोई दूसरा बंदा आ रहा है आपके सामने, तो उससे 10 रुपये डाला दीजिए, आपके घर के कोई मेंबर हो तो उससे अभी आप 10 रुपये डाला देंगे, मतलब एक इंसान यूनिक माना गया, दूसरे इंसान के फिर नंबर से कराएंगे तो वो भी यूनिक माना जाएगा, तो दो लोग मिलकर यूनिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पे कराना रहेगा गाइज। तो एक तो पेमेंट आप सेम टाइम पे करा दीजिए, दूसरा जो है इंस्टेंट मर्चेंट एक्टिवेशन है, मतलब यहाँ पे तो जो सेटलमेंट है वो तुरंत हो जाता है, तो सेटलमेंट तुरंत होगा तो आपके बैंक में तुरंत पैसा पहुँच जाएगा और आप तुरंत वापस ले लीजिए गाइज। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, 2 दिन ट्रांजेक्शन कराना भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मिनिमम 10 रुपये का होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से काम करना है आपको, आशा करता हूँ वीडियो